आज की वीडियो हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। एसिड का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया, एसिड का डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन है, जैसे कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, डायल्यूट एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, मिनरल एसिड, इस तरह का बहुत तरह का। लेकिन आज हम लोग बाय नेचर पढ़ेंगे कि वो कॉन्सेंट्रेटेड, वो मिनरल एसिड है या ऑर्गेनिक, इसका क्या मतलब होता है। ओके, तो देखते हैं एसिड का जो क्लासिफिकेशन किया गया। बेसिकली एसिड दो ही तरह का होता है, एक आपका होता है मिनरल एसिड, मिनरल एसिड, और दूसरा होता है ऑर्गेनिक एसिड। इसका क्या मतलब है ऑर्गेनिक एसिड? बहुत अगर सिंपल वर्ड में कहें, बिल्कुल सिंपल वर्ड में कहें, तो ऐसा एसिड जिसका सोर्स लिविंग थिंग हो, जिसका सोर्स क्या हो, लिविंग थिंग हो, वो आपका ऑर्गेनिक एसिड होता है। और ऐसा एसिड जो कि नॉन लिविंग थिंग से आता हो, नॉन लिविंग थिंग से आता हो, वो आपका मिनरल एसिड है। ओके, इसे और अच्छा से समझने की कोशिश करते हैं। ऑर्गेनिक एसिड क्या है? ऐसा कोई भी एसिड जो लिविंग थिंग्स, पेड़ पौधा, इंसान, जानवर, किसी भी में पाया जाता हो, वो आपका ऑर्गेनिक एसिड होता है। और ऐसा कोई भी एसिड जो मिनरल से बनता है, मिनरल वर्ड का मतलब आप लोग अच्छा से जानते हो, मिनरल किसको कहते हैं। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो धरती के नीचे से निकाला गया हो, यह आपका अर्थ है, अर्थ क्रस्ट से निकाला गया हो, और उससे एसिड का अगर हम लोग बनाते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, तो वैसे एसिड को हम लोग क्या कहते हैं, मिनरल एसिड, क्योंकि ये मिनरल से बना हुआ है, मिनरल धरती से निकलता है। कुछ नाम ले लिया जाए समझने में तो अच्छा रहेगा। जैसे मोस्ट कॉमनली जो एसिड हम लोग यूज करते हैं मिनरल एसिड, वो होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl मिनरल एसिड है, क्योंकि क्लोरीन जो है वो कोई ऑर्गेनिक चीज नहीं है। नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। जरा यहाँ ध्यान से देखिए मिनरल एसिड क्यों कहते हैं। यहाँ पे आपको क्लोरीन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन दिखाई दे रहा है, यहाँ सल्फर दिखाई दे रहा है, और इसमें फॉस्फोरस दिखाई दे रहा है। ये सभी को मिनरल माना जाता है, इसलिए इसको हम लोग मिनरल एसिड कहते हैं। आपको पता है नाइट्रोजन धरती के नीचे हालांकि एटमोस्फियर में है, लेकिन कंपाउंड के फॉर्म में जमीन में भी पाया जाता है। सल्फर जमीन से निकलता है, फॉस्फोरस जमीन से निकलता है। ये सारा चीज़ आपका कौन सा एसिड है, मिनरल एसिड है। अब हम लोग ऑर्गेनिक एसिड की बात करते हैं। ऑर्गेनिक एसिड होता क्या है? ऐसा एसिड जो कि लिविंग थिंग में पाया जाता है। तो लिविंग थिंग में क्या पाया जाता है, सबसे कॉमन लिविंग थिंग में जो एसिड होता है, हम लोग जानते हैं विनेगर। विनेगर आपने खाया होगा, चाउमीन वगैरह में यूज किया जाता है या सॉसेस में यूज करते हैं। तो विनेगर जो होता है उसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है, एसिटिक, CH3COOH। ओके, तो ये आपका ऑर्गेनिक एसिड हुआ, क्योंकि हमको पता है विनेगर जो है वो खाने पीने की चीजों में है, उसे हम लोग खा सकते हैं। और एक एग्जांपल लेते हैं, टोमेटो। टोमेटो क्या होता है, उसमें ऑक्सलिक एसिड होता है, COOH। किसमें पाया गया, टोमेटो में। तो ये भी तो आपका खाने का चीज है, पेड़ पौधा में उगता है। और अगर बात करें तो रेड एंट, लाल चींटी जो होता है, जिसे हम लाल चींटी आपने देखा होगा, वो कभी कभी डंक मार देता है तो काफ़ी दर्द होता है, या भौंरा जो होता है, ये जो भी चीज़ है, इसमें जो एसिड पाया जाता है वो ऑर्गेनिक होगा, क्योंकि वो लिविंग थिंग है। लिविंग थिंग में जो एसिड होगा कैसा होगा, ऑर्गेनिक। तो कौन सा होता है भाई, तो रेड एंट, रेड एंट में कौन सा एसिड पाया जाता है, HCOOH, इसको फॉर्मिक एसिड कहते हैं। आगे चल के इसको ऑर्गेनिक वाला चैप्टर में, कार्बन वाला चैप्टर में काफी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग समझते हैं कि ऑर्गेनिक एसिड किसको कहते हैं, जिसका सोर्स लिविंग थिंग होता है। एग्जांपल ले लेते हैं, तो रेड एंट आपका लिविंग थिंग है, उसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। विनेगर आपका ये पेड़ पौधा से बनता है, खाने पीने का चीज़ है, इसलिए लिविंग थिंग है। ऑक्सलिक एसिड टोमेटो में पाया जाता है, ये सारा लिविंग थिंग से पाया जाता है, इसको हम लोग ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिनरल एसिड किसको कहते हैं, जो कि मिनरल से बनता है। ओके, एक इंपॉर्टेंट बात हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आपका जो मिनरल एसिड होता है, मिनरल एसिड, इसका स्ट्रेंथ हमेशा ये ऑर्गेनिक एसिड से ज़्यादा ही रहेगा, ऑर्गेनिक एसिड से ज्यादा रहेगा। क्या ज्यादा रहेगा भाई, पहले से बता दे रहे हैं, क्या ज्यादा रहेगा, स्ट्रेंथ। हमेशा याद रखिएगा, स्ट्रेंथ वाइज मिनरल एसिड ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन ऑर्गेनिक एसिड। ओके, स्ट्रेंथ वाइज मिनरल एसिड हमेशा ऑर्गेनिक एसिड के सामने बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। अब अगर हम लोग बात करें उसका स्ट्रेंथ यानी कि कंसंट्रेशन डाइल्यूशन के आधार पर, तो एसिड कैसा हो सकता है, एक हो सकता है आपका कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, इन शॉर्ट हम लोग इतना नहीं लिख करके इसको कॉन्क भी लिखते हैं। कॉन्क, कॉन्क मीन्स कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। किसको कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, ऐसा एसिड जिसमें एसिड ज्यादा रहे और वाटर का क्वांटिटी
कम रहे। ध्यान समझिए, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड किसको कहते हैं? ऐसा एसिड जिसमें पानी कम रहे और एसिड का मात्रा ज़्यादा रहे, उसको हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो सेकेंड कैटेगरी होता है उसको डाइल्यूट एसिड कहा जाता है। तो डाइल्यूट एसिड क्या होता है? डाइल्यूट एसिड ऐसा एसिड जिसमें कि एसिड का मात्रा कम रहे, एसिड का क्वांटिटी कम रहे और वाटर का क्वांटिटी ज़्यादा रहे, उसको हम लोग डाइल्यूट एसिड कहते हैं। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं DIL। अगर आप किसी एसिड के बगल में ऐसा लिखे देखे, समझिए वो डाइल्यूट है, उसमें पानी का मात्रा ज़्यादा है और एसिड का मात्रा कम है, एसिड का क्वांटिटी कम है। इस तरह के एसिड को कहते हैं डाइल्यूट एसिड। तो स्ट्रेंथ वाइज दो तरह के एसिड होता है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड।